ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर मंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिसरक थाना क्षेत्र के एक मूर्ति गोलचक्का के पास स्कॉर्पियो से उसकी लाश बरामद की गई है। स्कॉर्पियो में लाश होने की खबर पर जब पुलिस पहुंची तो शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक मंजीत हिस्ट्री शीटर है और सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष अपार्टमेंट में रहता है। इस पर हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस ने गाड़ी में साथ में बैठकर शराब पी रहे युवक पर गोली मारकर हत्या करने की आशंका जाहिर की है, क्योंकि गाड़ी से शराब की बोतल और दो गिलास बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये अभी थाना बिसरक को लगभग 10 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 130 मीटर रोड पे एक कार सवार युवक की जो है वो डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी बिसरक ACP और मैं स्वयं और उच्च अधिकारी मौके पे आए। फॉरेंसिक की टीम आई, मौका मुआयना किया गया और प्राइमा फेसी जो जानकारी निकल के आ रही है, ये मृतक का नाम जो है वो मंजीत है और ये रहने वाला अंतरिक्ष अपार्टमेंट सेक्टर 78 है, वहाँ का है। इस पूरी खबर पर बात करते हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता नितिन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, हिस्ट्री शीटर मंजीत की गोली मारकर हत्या की बात सामने आ रही है, अभी तक पुलिस ने क्या सबूत जुटाए हैं और क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल देर रात का ये मामला है जो नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो वेस्ट सोसाइटी है उसके अंदर जो 30 मीटर 30 रोड पर वो हिस्ट्री शीटर जो थे अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे स्कॉर्पियो के अंदर, लेकिन जिस तरीके से उस पर गोलियों से हमला कर दिया जाता है तो उसको लेकर जो है गौतमपुर नगर के अंदर एक जो है सनसनी फैली जाती है कि आखिरकार जो बदमाश है वो आए दिन जो उनके हौसले जो है बुलंद हो रहे हैं, आए दिन जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है कि आखिरकार बदमाशों को जो है पैर में गोली मार मार के जो हवालात थे, लेकिन जिस तरीके से रात ये मामला सामने आया तो जो गाँव है गाँव के आसपास के इलाके हैं उनमें जो हम कर जाते हैं कि आखिरकार जो स्कूटर जैसे लोगों की जो यहाँ पर हत्या कर दी जाती है गाड़ी के अंदर बैठ कर अपनी सोसाइटी के अंदर जो वो बढ़ते हुए जब तुरंत उससे जो हमला करते होता है कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जो छानबीन में लगी हुई है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगाएगी। हिस्ट्री शीटर मंजीत की बात करें तो अब कौन कौन से केस इस पर दर्ज है, क्या कोई इनाम भी था घोषित? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जो हिस्ट्री शीटर जो मंजीत थे उन पर जो काफी जिलों से जो है इनके जो इनाम भी जो है घोषित किए गए थे, लेकिन अभी जो नोएडा की पुलिस जो नोएडा में भी उनको जो कम से कम 10 से 15 मुकदमे जो है यहाँ पर गौतमपुर नगर के अंदर अलग अलग जिलों के बाहर भी इनको जो है मुकदमे काफी जो है पीछे हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले में छानबीन में लगी हुई है कि आखिरकार इनको और कहीं कहाँ कहाँ थानों में मुकदमे लिखे हुए हैं और जो इनका हमला क्या है उसमें फुटेज जो अभी पुलिस ढूंढने लगी हुई है क्या जगह फुटेज है उसके बारे में। नितिन, क्या आपसे शुरुआत में इसे आपसी रंजिश माना जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर कई लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और जिसकी बात की जा रही है उसका कुछ पता चला, कौन है उसका साथी है, दोस्त है, कुछ नाम? जी देखिए बिल्कुल, आपको बता दें अभी जो परिवार से भी हम लोगों की काफी देर रात जो है बात भी हुई थी फोन के थ्रू, लेकिन परिवार का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं अभी रंजीत का तो मामला हमने कोई बताया नहीं, लेकिन पुलिस से भी हमारी बात हुई, पुलिस की पूरी तरीके से अभी साफ नहीं बता रही है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता नितिन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।